दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको BI सिम का एक हाई स्पीड VPN सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके मोबाइल पर एक BI सिम है और आपका BI सिम का इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है तो इस VPN को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इस VPN को सेट करने के बाद आपका BI सिम का इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा और आपका BI सिम का नेटवर्क रिलेटेड सभी तरह की प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो कृपया इस वीडियो को स्किप न करके एंड तक वॉच कीजिए और इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों BI सिम की इस हाई स्पीड VPN को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क का। तो आपको सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क की ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल का दोनों सिम शो होगा। तो यहाँ पर आप जिस भी BI सिम से अपना इंटरनेट चलाते हो उस BI सिम को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का। तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स की ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको VPN पे लेके आ जाएगा। तो VPN पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको अपनी VPN को एक बार रीसेट कर देना है। और रिसेट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे और एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू VPN का प्लस के आइकॉन के साथ। तो आपको न्यू VPN की ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको न्यू एक्सेस पॉइंट्स पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी पूरी VPN को सेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर में नेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कैपिटल में बी टाइपिंग करना है और स्मॉल में आई टाइपिंग करना है। BI टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्पेस लगाना है और कैपिटल में आई टाइपिंग करना है और INTERNET इंटरनेट टाइपिंग करना है। तो BI इंटरनेट टाइपिंग करने के बाद आपको फिर से एक स्पेस लगाना है और कैपिटल में P देना है और PLUS प्लस टाइपिंग करना है। तो दोस्तों नेम पर आपको BI इंटरनेट प्लस टाइपिंग करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन मिलेगा VPN का, उस VPN के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में टाइपिंग करना है www। दोस्तों VPN पर आपको स्मॉल लेटर में www टाइपिंग करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज़र नेम का। तो आपको यूज़र नेम की ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैपिटल में S टाइपिंग करना है और SPEED स्पीड टाइपिंग करना है। स्पीड टाइपिंग करने के बाद आपको कोई भी स्पेस नहीं लगाना है, आपको कैपिटल में B देना है और BOT बॉट टाइपिंग करना है। उसके बाद आपको एक डॉट लगाना है और फिर से आपको कैपिटल में I टाइपिंग करना है और INTERNET इंटरनेट टाइपिंग करना है। उसके बाद आपको कैपिटल में P देना है और PLUS प्लस टाइपिंग करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यूज़र नेम पर आपको speedbot.internet प्लस टाइपिंग करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड नॉट सेट रहने देना है, सर्वर भी नॉट सेट रहने देना है। उसके बाद आपको सीधा नीचे आना है और ऑथेंटिकेशन टाइप की ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन पेप और चेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको VPN टाइप की ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको स्मॉल लेटर में टाइपिंग करना है DEFAULT। तो दोस्तों VPN टाइप पर आपको स्मॉल लेटर में डिफ़ॉल्ट टाइपिंग करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको VPN प्रोटोकॉल की ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको VPN रोमिंग प्रोटोकॉल की ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी सबसे नीचे वाला ऑप्शन IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स करना है BRR का, उस BRR के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अनस्पेसिफाइड को अनक्लिक करना है। उसके बाद आपको LT को सिलेक्ट करना है, HSPEP को सिलेक्ट करना है, HSPA को सिलेक्ट करना है, HSUPA को सिलेक्ट करना है, HSDPA को सिलेक्ट करना है, UMTS को सिलेक्ट करना है, EDGU को सिलेक्ट करना है और GPRS को सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये सारे ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका हाई स्पीड VPN बन चुका है। तो यहाँ पर आपको नीचे एक मोर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको मोर की ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करके उस VPN को आपको सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा न्यू VPN बन चुका है BI इंटरनेट प्लस का। तो आपको अपना न्यू VPN को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है।
बाहर निकलने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल से इंटरनेट चलाना है। दोस्तों आपका BSIM का इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपका BSIM का नेटवर्क रिलेटेड सभी तरह की प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।